नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप Redmi A2 या फिर A2 Plus मोबाइल में आप किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हो। दोस्तों यहां पर देखोगे, अगर नोटिफिकेशन पैनल में जाओगे तो यहां पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपको अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए यहां पर देखिए पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है और ऊपर की तरफ यहां पर ले आना है। जैसे आप इसको यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर आप जिस भी ऑप्शंस को लेके आ जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। टार्च को भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अब दोस्तों आपका काम खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर फिर से नोटिफिकेशन पैनल में जाना है और यहाँ देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर आ चुका है, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप चाहो तो इसकी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड ऑडियो इसको इनेबल करना है, किसकी ऑडियो रिकॉर्ड करना है आपको, डिवाइस की या फिर माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन पर क्लिक करोगे तो माइक्रोफोन की रिकॉर्ड की जाएगी। सो टचेस इसको भी इनेबल कर दिए जिससे कि टच भी शो होंगे। अब आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पर देखोगे तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। देखिए ऊपर यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो अब आप जो भी करेंगे वो रिकॉर्ड होता रहेगा। अब अगर आपको बंद करना है रिकॉर्डिंग तो यहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हो।